मैं अभी बोल रहा था अकबर साहब कि जैसा आपने एक बात कही, ओल्ड सिटी भी डेवलप होना चाहिए, ओल्ड सिटी में भी काम जोर से चलना चाहिए। ये जो अभी ऑन गोइंग वर्क है उसको तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मैं या तो सैटरडे या मंडे आपके साथ पूरा हैदराबाद पार्लियामेंट में जितने भी हमारे एमएलए से, अगर एमपी साहब भी अवेलेबल है तो एमपी साहब के साथ साथ एक मीटिंग कर लेंगे जिसमें तेजी से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपने बात किया स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की, अभी तो 430 करोड़ के साथ एक प्रोग्राम हमने लिया जिसमें 200 करोड़ का काम तो पूरा हो गया। फ्यूचर वर्क्स बहुत सारे पेंडिंग हैं, मैं मानता हूं आपकी बात। मुरकी नाला की भी आपने बात किया, मैं मानता हूं कि मुरकी नाले में आपने खुद पर्सनली उसमें वहां ठहर के सुपरवाइज करके आज पूरी हैदराबाद में ऐसी कोई स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं जैसा मुरकी नाला है, वो क्रेडिट पूरा आप ही को जाता है क्योंकि बहुत अच्छा काम आपने किया। एंड आई बिलीव एंड आई होप इट विल इंस्पायर अदर मेंबर्स इन द न्यू सिटी ऑल्सो टू एक्सपैंड देयर स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड नालास। इसके अलावा मैं फिर आपको एक और, आपने कहा कि हमारे पास एफओबीस, बस शेल्टर्स, फुटपाथ, लेक्स, ये सारी चीजों का आपने जिक्र किया। एफओबीस, चार एफओबीस आपके यहाँ लिए गए आपके हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर, 13 करोड़ रुपए और 30 लाख के साथ लिए गए। 3 ग्राउंडेड भी है, तीन ग्राउंड हो चुके हैं, फोर्थ डिजाइन स्टेज में है। फुटपाथ 96 किलोमीटर का फुटपाथ हमने लिया हैदराबाद पार्लियामेंट में। इसके अलावा तीन किलोमीटर का एडिशनल भी एक फुटपाथ हम लोग ले रहे हैं। 2 बस बेस भी लिए गए और कंप्लीट भी किए गए और भी लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पूरा हैदराबाद में 100 बस बे हम बनाने की प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें ओल्ड सिटी में भी जरूर जितना मिलेगा उतना जरूर लेने की कोशिश करेंगे। लेक, 11 लेक मिशन काकतिया के अंडर 85 करोड़ के साथ लिया गया। बट जैसा आपने कहा, सही बात आपने कहा, शायद थोड़ा वहां पे पैसों की वजह से या फंड प्रॉब्लम की वजह से अगर कहीं भी स्लो डाउन कुछ है तो मैं जरूर आपके साथ बैठूंगा, आपके एमएलएस के साथ और आपके साथ उसको भी आगे ले जाएंगे। मीरालम टैंक का आपने बात किया और आपने कहा कि वहां पे ब्यूटिफिकेशन जारी है। मैं खुशी के साथ आपको शेयर करना चाह रहा हूं कि मार्च 2021 तक ये पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएगा। जल्द से जल्द वहां पे भी बहुत खूबसूरती के साथ फाउंटेन भी लगा रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसा आपने कहा, एक फिजिबिलिटी अगर है तो वहां ब्रिज बनाने के लिए भी कोई इतराज नहीं, कोशिश करेंगे। सुराराम चरू आपने जिक्र किया, ये भी मार्च 2021 तक पूरा हो जाएगा। गुर्रम चरवू ये भी 21 मार्च तक पूरा हो जाएगा। इसके अलावा आपने मुर्गी चौक की बात की, आपको तो पता है मुर्गी चौक फिलहाल एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है। जैसा आप जानते हैं अगर कोई हेरिटेज एक्टिविस्ट अगर गया फिर कोर्ट वोट तो दिक्कत होगी, तो हेरिटेज कमेटी इस पर बिठाएंगे। अभी हमारे एमएलए साहब भी कह रहे थे कि इसको गिराइए और जल्द से जल्द इसको 3 या 4 माले में अच्छा एक पार्किंग कॉम्प्लेक्स और अच्छा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाइए करके एमएलए साहब भी कह रहे थे, तो जरूर आपके साथ मीटिंग में इसको भी तय करेंगे और आगे ले जाएंगे। इसका एक डिजाइन तो बन गया पर इसको आगे ले जाना है। सीपीपी की आपने बात की, सीपीपी में अभी तक 26 करोड़ का काम पूरा हो गया बट बाकी काम अभी जारी है, जैसा लाड बाजार हो और भी काम है बाकी है। मैं आपके साथ मंडे मीटिंग में इसको भी तफसील में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बारकास फुटबॉल ग्राउंड की आपने बात की, दिसंबर इसी साल में दिसंबर तक पूरा हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीटेड, विल बी हैंडेड ओवर टू यू। बनलागुड़ा स्टेडियम, इट रिक्वायर्स रिमूवल ऑफ सम इंक्रोचमेंट्स, आपका मदद हो तो जल्द से जल्द करेंगे। 3-4 महीने लगेंगे इसके लिए हमारे बनलागुड़ा स्टेडियम के लिए, बट अगर वहां इंक्रोचमेंट हटा दें तो जल्द से जल्द हो जाएगा। जैसा मैंने कहा, एफओबीस, एक रक्षापुरम में आ रहा है ओएसी हॉस्पिटल के पास, एक स्वप्ना थिएटर राजेंद्र नगर के पास आ रहा है, एक दुर्गानगर जंक्शन पे मलार देवपल्ली में भी आ रहा है, एक कुमार होटल चंद्रायन गुट्टा में भी एफओबी आ रहा है। ये चारों भी जगह 13 करोड़ रुपए के साथ सैंक्शन हो गया और काम को आगे ले जाना है। आपने बात की ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम की, ड्रिंकिंग वाटर अकबर साहब कुल मिला के जो 172 MGD आज कृष्णा से हम लोग डिफरेंट फेजेस से ले रहे हैं उसमें से 105 MGD आज ओल्ड सिटी को जा रहा है और फेज वन में से 55 MGD, फेज टू में से 30 MGD और फेज थ्री में से 20 MGD आज दिया जा रहा है। बट अगर कहीं भी बनलागुड़ा में जैसा आपने कहा एक रिजर्वायर बनाने की जरूरत है, इसके लिए 3 करोड़ रुपया लगेगा, जल्द से जल्द सैंक्शन भी करेंगे और इसको भी आगे ले जाएंगे। इसके अलावा आपने कहा आलियाबाद रिजर्वायर की भी आपने बात की, इसका 12 फीट हाइट का कुछ मसला है, जरूर आपके साथ इसको भी एक सोल्यूशन इसका भी निकाल लेंगे। और सुंकीशाला से एक नया प्रपोजल सीएम साहब ने हमको आदेश दिया कि ओल्ड सिटी की जो पानी की टंकी है उसके बारे में सीएम साहब ने एक आदेश दिया। 20 TMC का एक नया प्रपोजल भी हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रपोजल है हैदराबाद की वाटर सप्लाई के लिए। केशवापुरम प्रोजेक्ट है, सुंकीशाला से 20 TMC लेने वाली प्रोजेक्ट है। रिंग मेन को लेकर पूरा 2 सिस्टम, गोदावरी और कृष्णा दोनों सिस्टम को इंटीग्रेट करने की एक और प्रोजेक्ट है। और एसटीपीस की आपने बात की, इस सारा हमारा एक पाइपलाइन है
जिसमें पूरे लिस्ट हमने लगा लिया, तो जरूर ओल्ड सिटी के जितने भी ड्रिंकिंग वाटर इश्यूज है और सीवरेज रिलेटेड इश्यूज है इसमें एड्रेस हो जाएंगे। इसके अलावा आपने कहा गंडीपेट, गंडीपेट का भी सीएम साहब का एक इरादा यह है कि मूसी के साथ लिंक करते हुए, मतलब गंडीपेट को जो अभी पानी कालेश्वरम में कोंडापोचमा सागर तक आ गया, वहां से एक या तो ओपन चैनल या पाइपलाइन डाल के गंडीपेट उस्मान सागर को भी पूरी तरह से उसको एक लाइव रिजर्वायर बनाते हुए उसको मूसी के साथ जोड़ने का एक इरादा सीएम साहब का है, ताकि मूसी भी हमेशा फुल रहे, हमेशा ब्यूटीफुल रहे। इसका भी एक प्रयास जारी है, बट थोड़ा वक्त लगेगा उसमें, क्योंकि ये बनने में ही थोड़ा वक्त लगेगा, बट जरूर ये भी एक एजेंडा है। खिलवत की आपने बात की, खिलवत में पीपीपी में अवार्ड तो हो गया, आपने कहा कि अगर पीपीपी में कोई आता नहीं तो जीएचएमसी क्यों नहीं बनाती है, ये टेंडर अवार्ड हो गया, जो आदमी जो जो एजेंसी नामपल्ली में काम कर रही है उन्हीं को अवार्ड दिया गया। इट्स 50 करोड़ की प्रोजेक्ट है, 300 गाड़ियों की पार्किंग होगी दो लेवल पे और 300 टू व्हीलर की भी पार्किंग होगी, इसका भी अवार्ड हो गया और जल्द से जल्द काम शुरू करेंगे। आपने और भी कुछ मुद्दे उठाए, इसका जरूर मैं जैसा मैंने कहा मंडे के दिन एक मीटिंग करके इसका पूरी तरह से एक प्लान ड्रॉ आउट करेंगे, उसको लेके आगे चलेंगे। आपने शेल्टर होम्स की भी बात की, आपने कई और मुद्दे भी उठाए, मैं आपको वादा करता हूँ गरीबों की जब बात होती है सीएम साहब फंड्स की तरफ नहीं देखते हैं, जो भी बात है, जैसे आपने अनिसुल गुरबाल की कभी बात की तो इमीडिएटली सैंक्शन कर दिया, गरीबों की यतीमों की लाचारों की जब भी बात होती है सीएम साहब ऐसे दिलदार आदमी है, वो हमेशा सबसे आगे रहते हैं इस बात में, आपको भी पता है हमें भी पता है। तो जितने भी आपने मुद्दे उठाए इसको भी सीएम साहब के जहन में लाते हुए इसको भी कर लेंगे। सीपीपी मैं वादा करता हूं इसको हम ही लोग पूरा करेंगे और हम सब चल के एक बार फिर से अगर जरूरत पड़े तो एक बार गोल्डन टेम्पल भी जाके अगर जरूरत पड़ा तो पैसे भी बढ़ा के उसको मंजूर करेंगे। अकबर साहब आपको तो पता है पिछले 6 महीनों से मेट्रो चल नहीं रही थी, हाल ही में शुरू हुआ 7 तारीख को, तो अभी रुक रुक के चल रही है और उनके तरफ से भी कुछ रिक्वेस्ट हमारे पास पेंडिंग है एलएनटी के तरफ से, क्योंकि उनका भी बहुत फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ पिछले 6 महीनों में, तो एक रिक्वेस्ट भी हमारे पास पेंडिंग है, तो जरूर उनको बुला के बात करके उस मीटिंग में आपको भी बुलाएंगे। कब तक होगा कैसे करेंगे ये जरूर आप ही के सामने हम लोग तय करेंगे और मैं वादा करता हूँ इस टर्म में जरूर आपको ओल्ड सिटी हैदराबाद पार्लियामेंट को जरूर जो वादा किया गया सीएम साहब की तरफ से उस वादे को निभाएंगे और ओल्ड सिटी में आपको मेट्रो बिल्कुल दिखेगा, इस बात पे आप बिल्कुल शक नहीं करना चाहिए आपको, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ। After 10 years of successfully spreading education and carving a niche for itself, Success Junior College proudly introducing Success Degree College for Women, affiliated to Osmania University, a place where you can engage your passion with respect and encouragement. Dedicated counselors and accessible educators who have an unparalleled reputation for balancing excellence and dedication in their field are here to guide you along the way. Fully furnished and spacious, sanitized AC classrooms. Hygienic and safe environment as per the government's norms. Well-equipped labs and spacious library. Courses offered: BSc Nutrition, BSc BZC, BSc MPCS, BBA, BCom Computers, BCom General. Hurry up! Admissions are open. Success Degree College for Women, IS Southern, X Roads, Santosh Nagar, Hyderabad.